Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Cash Fitness. Guys, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी breathing technique share करना चाहती हूँ जिसकी help से आप अपने stress level, anxiety, frustration, anger इन सब चीजों को control कर पाओगे. ऐसे बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको आप अपने घर में, ऑफिस में, गार्डन में, कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो. आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसको करने के लिए. तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इस ब्रीदिंग टेक्निक को आपने करना कैसे है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप इसको रेगुलरली बेसिस पे परफॉर्म करते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, आप इस एक्सरसाइज को चेयर पे बैठ के या नीचे ज़मीन पे चोकड़ी मार के भी कर सकते हो. ठीक है, आप अपने आप को जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है उस पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो. इवन आप इसको लेटे लेटे भी परफॉर्म कर सकते हो, आप सीधा लेट के भी इसको परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हूँ. एंड क्या करना है, सबसे पहले आपने हल्के से अपने ईयर लोब्स को प्रेस करना है अपने थंब से. बहुत ज़्यादा आपने अग्रेसिवली पुश नहीं करना है, हल्का सा आपने बस प्रेस करना है ताकि आपके जो ईयर लोब्स हैं वो बंद हो जाए. एंड अपनी उंगलियों को अपने फेस पे इस तरीके से रख देना है. ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप, आपने एक इनहेल लेना है, सांस लेनी है आपने. पर ध्यान रखिएगा, ये सांस जो है आपकी बहुत फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए. बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इनहेल करना है. इनहेल करते हुए आपकी जो चेस्ट है ये इस तरीके से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, और आपका जो हिप एरिया है, जो हमारा हिप गर्डल है, पेल्विस बोलते हैं जिसको, वो आगे नहीं फॉल करना चाहिए. आपको अपने रिब्स को एंड अपने पेल्विस को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है. ठीक है, तो आपने सिंपल इनहेल करना है एंड देन एक्सहेल करते हुए आपने हमिंग की साउंड निकालनी है. भंवरा जैसे साउंड करता है वैसे आपने साउंड निकालनी है. जैसे जैसे एक्सहेल करते जाओगे वैसे वैसे आपने साउंड निकालनी है, और ये साउंड थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए. आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए अपने हेड में, अपने थ्रोट में, अपने चेस्ट एरिया में जब आप एक्सहेल कर रहे हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इनहेल, एक्सहेल, और इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को एक मिनट से स्टार्ट करना है करना, और आपने इसको आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो आपने परफॉर्म करना है. आपने इस वाइब्रेशन को जब आप एक्सहेल करते हुए जो वाइब्रेशन हो रही है उसको फील करना है अपने हेड में. जब आप ये वाइब्रेशन को फील करोगे तो इस वाइब्रेशन से आपकी नर्व्स जो हैं, हमारी जो स्पेशली हेड में जो नर्व्स होती हैं, वो नसें जो हैं वो शांत हो होती हैं, वो काम हो जाती हैं, सूदिंग इफेक्ट मिलता है उनको. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक तरीके से शांत हो जाता है. हम बेवजह जो है गुस्सा नहीं करते, बेवजह हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं किसी बात को लेके. और आप गाइस इस एक्सरसाइज को जब किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मान लो आपने जाना है, मान लो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, या आपने किसी क्लाइंट से बात करनी है, या कुछ भी तरीके का कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आपको करना है, तो आप उससे पहले इस ब्रीदिंग टेक्निक को परफॉर्म करिए और अपने आप को रिलैक्स फील करिए. इससे आपका जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जिसमें हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं बहुत जल्दी उस पोजीशन में. तो आपको ये जो ब्रीदिंग है उस पोजीशन में लेकर जाता है. अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लोग इस
ड्रिल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। स्टडीज़ शो करती है कि जब आप इस ड्रिल को 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली करते हैं ना, तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, जो बीपी आपके बढ़े हुए हैं, वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, वो अपने लेवल में आने शुरू हो जाते हैं। तो गाइस, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो इस ड्रिल को रेगुलर करिए। इवन अगर 2 बार कर सकते हो दिन में, तो 2 बार करिए, ठीक है। आप जिन लोगों को अगर स्लीप की कोई प्रॉब्लम है, स्लीप आने में दिक्कत होती है, तो सोने से पहले 5 मिनट के लिए इस ड्रिल को करिए और फिर देखिए कि आपकी स्लीप कितनी अच्छी हो जाती है। गाइस, इस ब्रीदिंग टेक्निक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ईजी है परफॉर्म करना, ठीक है। एंड आप इसको एम्प्टी स्टमक करिएगा, और इन केस अगर आप एम्प्टी स्टमक नहीं कर पाते हो तो इट्स ओके, आप खाने के 2-3 घंटे बाद भी इस ड्रिल को परफॉर्म कर सकते हो। एंड आई होप आप इस ड्रिल को अब अपने रेगुलर रेजिम में करना शुरू करोगे, और इससे जो फ़ायदे आपको मिल रहे हैं उनको खुद एक्सपीरियंस करोगे।